गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने क्लास फोर्थ का हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने स्वर तक पढ़ा था, स्वर के भेद तक। अब हम आगे व्यंजन पढ़ते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। अब व्यंजन के भेद तीन होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, यानी छूती है। स्पर्श माने छूना, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन क से लेकर म तक संख्या में 25 हैं, तो जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ देखिए क च ट त प, और व्यंजन ये हैं और उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब क्या होते हैं दूसरा? अंतःस्थ व्यंजन। इसमें य र ल व, य र ल तथा व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर भागों को मामूली सा स्पर्श करती है, यानी ज़्यादा नहीं, मामूली सा स्पर्श करती है। जैसे य र ल व श, य र ल व। ठीक है, अब आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन का अर्थ है गर्म। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है। व्यंजनों में इस रगड़ के साथ बोलने वाले गर्मी उत्पन्न बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, इस कारण ये वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है, ये हैं श, श, स, ह। ठीक है, अब अतिरिक्त व्यंजन है आपका ड और ड। ड और ड अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाए जाते हैं। ट वर्ग के ड तथा ढ के नीचे बिंदु लगाने पर उनके स्वरूप ड और ढ तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है। देखिए, जैसे यहाँ है ड के और यहाँ है ड के, ड जिसमें नीचे बिंदु लग गई, तो जैसे ये ड है तो डर, और यहाँ पे बिंदी है ढक तो पकड़, ऐसी ढस ढेर, और यहाँ बिंदी लग गई तो बूढ़ा, है ना, ऐसे ही और भी हैं। अब आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छत्र, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन हैं, जो व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये देखिए क धन श, अक्षय, क्षमा, क्षण, ऐसे ही यहाँ पर और भी हैं। अब देखिए द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वितीय ध्वनि की रचना होती है। जैसे क धन क, चक्कर, लक्कड़, है ना, इस तरीके से। अब आइए आयोग वह, ये हिंदी वर्णमालों में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, अंग अंग से अंग और अह। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, परंतु ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं और ना ही व्यंजनों की, यानी ये ना तो स्वर के उसमें आते हैं और ना ही व्यंजन की। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना किए जाने के कारण ये स्वर भी नहीं कहा जा सकता। किसी के भी साथ ना पाने के कारण ये अयोग वह कहा जाता है। जैसे देखिए, मैंने अभी परसों की वीडियो में शायद मैंने आपको समझाया था, ये अनुस्वार होता है और ये अनुनासिक तथा यह विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार उच्चारण का मतलब होता है, अनुस्वार का उच्चारण वर्णों के पहले 5 वर्गों, जैसे क, च, ट, त, प के अंतिम वर्णों के अर्धांश के समान नासिका से होता है, जैसे कंधा, चंचल, शंभु आदि। और अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं चांद, तो उसमें चंद्रबिंदु आती है ना, इस तरीके की। तो चंद्रबिंदु का चिन्ह है ये देखिए आप यहाँ। इसमें स्वरों
का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाते हैं, मुंह, हंस, आंख, चांद आदि। अब आइए विसर्ग। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग का चिन्ह, ये है विसर्ग का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण हल के ह के समान होता है, जैसे अंतः, पुनः, प्रातः आदि। ठीक है, अब आइए र वर्ण का प्रयोग। अन्य किसी वर्ण से र का मेल होने पर संयुक्त व्यंजन का रूप कुछ भिन्न हो जाता है, जैसे स्वर रहित र सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के ऊपर आता है तथा उससे पहले बोला जाता है, जैसे व धन र धनुष वर्ष। ऐसे यहाँ पर शर्म और चर्म, श धन र धनम शर्म। ठीक है, अब र से पहले स्वर सहित रहित पाई जाना पाई वाला व्यंजन क फ ह आ जाए तो र इसके नीचे इस रूप यानी इस रूप में जोड़ दिया जाता है। अगर क फ और ह आए तो किस रूप में जोड़ दिया जाता है, इसमें, जैसे प धन र तो प्र। ठीक है, प धन र ब्र, ग धन र ग्र। ठीक है, अब आइए ट और ड के साथ मिलने पर र निम्नलिखित रूप में आ जाता है, ट और ड के साथ ट धन र बराबर ट्र, ऐसे ड धन र ड्र, इस तरीके से। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने पढ़ाया वो तो आपको साथ के साथ याद करना है, साथ के साथ आपको ये भी र वर्ण का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है इसको अच्छी तरीके से आपको रीड करना है। और आपके इस क्वेश्चन आंसर आपकी क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। और आपको एक बात और बताऊँ, क वाला मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूँगी, ख और ये ग वाला, ग वाला आपको खुद करना होगा और बाकी का मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूँगी।